फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल की कुछ अमेजिंग ट्रिक जो आपने अभी तक करी तो होंगी, लेकिन उसमें मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। जैसे कि मैं एक्सेल को सबसे पहले ओपन करूँगा। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करेंगे। इसके बाद मुझे एक्सेल इसमें टाइप कर देना है और एंटर कीबोर्ड से कर देंगे, ठीक है। इसमें जो आपको मैं अमेजिंग ट्रिक बताने वाली हूँ, जैसे कि कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊँगा जिसमें आप अपने डाटा को हाइड भी कर सकते हैं। आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स भी हैं, आप उसको भी हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, फर्स्ट हमको क्या करना है, जैसे मैं कोई अपना डाटा ओपन कर लेती हूँ इसमें एक्सेल में। ये मेरी फाइल है, इसमें ये मेरी एक फाइल ओपन हो चुकी है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैं ये कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, किरण वंश अंश वंशिका। तो आप इसमें इस नेम के साथ में इनका फोटो भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो इनका फोटो के साथ में दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, जैसे कि किरण नेम लिखा हुआ है, इसको मैंने सेल को सिलेक्ट किया। यहाँ पर मुझे सबसे पहले राइट क्लिक करना है, इसके बाद जाना है इंसर्ट कमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया, अब आपका ये बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें HP हम कीबोर्ड से बैक स्पेस की से इसको हटा देंगे। इसके बाद मुझे यहाँ जो बॉटम में लाइन आ रही है इस पर मुझे राइट क्लिक करना है। नेक्स्ट मुझे फॉर्मेट कमेंट पर जाना है। इसके बाद हमारा देखिए जो बॉक्स ओपन हो चुका है, इसको बोलते हैं पॉपअप विंडो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कलर्स एंड लाइंस का जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ मुझे क्लिक करना है। इसके बाद कलर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है फिल इफेक्ट्स, यहाँ हमको लेफ्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये बॉक्स एक और ओपन हो चुका है, इसमें मुझे क्या लगाना है, पिक्चर लगाना है। तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट पिक्चर, ठीक है। इसके बाद मुझे जैसे कोई पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर लेनी है, जिसके पिक्चर भी आप लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं इसमें ले लेती हूँ एक पिक्चर कोई भी, ये मैंने पिक्चर इंसर्ट किया और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक किया एंड ओके एंड ओके। तो देखिए, आप जब भी इस किरण वाले बॉक्स पर यहाँ कर्सर रखोगे तभी ये इमेज यहाँ पर शो करेंगे। इस तरीके से आप किसी के नाम के साथ भी उसकी फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेरी ट्रिक है एक्सेल में, वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरा जो डाटा दे रखा है, इसको मुझे हाइड किस तरीके से करना है, आप इसे हाइड भी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो पहले भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, इस ट्रिक को लगा सकते हो, चाहे तो आप डाटा को टाइप करने के बाद भी लगा सकते हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको पहले भी करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने इतना सेल्स को सिलेक्ट किया है, इसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल वन को प्रेस भी कर सकते हो, नहीं तो आपका ये होम मेन्यू में जनरल ऑप्शन दे रखा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए हमारा ये फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो चुका है, मुझे कस्टम पर क्लिक करना है। ये जनरल जो हमारा दे रखा है, इसे जनरल को हम बैक स्पेस से हटा देंगे। इसके बाद कीबोर्ड से मुझे सेमी कॉलन 3 बार प्रेस करना है, कीबोर्ड से सेमी कॉलन मुझे ये 3 बार प्रेस करना है इस तरीके से, और लास्ट में आपको ओके कर देना है, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करोगे तो देखिए वो हाइड होता रहा है। देखिए मैं कितना टाइप कर चुकी हूँ, इसमें कुछ भी आपको शो नहीं हो पा रहा है। जितना सेल्स मैंने सेलेक्ट किया था वो उसके साथ हाइड हो चुका है। अपने किसी भी डाटा को हाइड कर सकते हैं, जो आपने कोई रिकॉर्ड बनाया हो उसको भी आप इस तरीके से हाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर आप किसी के अभी तक जो मैंने डाटा हाइड किया था, नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे कि कुछ डिजिट मैंने टाइप किए हैं इस सेल में, इसके लिए मुझे क्या करना है, स्टार्ट की मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड के सिर्फ थ्री डिजिट शो करानी, उसके बीच के 100 डिजिट नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल की प्रेस करनी है। उसके बाद आपको लिख देना है लेफ्ट, LEFT लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करना है। अब जिस सेल में डिजिट टाइप की थी उस सेल को सिलेक्ट कर देना है हमें। इसके बाद हमको क्या करना है, अरे हमको कीबोर्ड से कॉमा की प्रेस करनी है, कॉमा देना है बीच में, और इसके बाद हमको लिख देना है 3 टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, और नेक्स्ट मुझे देना है एंड, ये शिफ्ट को होल्ड करके एंड ऑपरेटर का की प्रेस कर देना है इस तरीके से, और बाद में डबल कोड लगाना है। इसके बाद मुझे देना है कीबोर्ड से स्टार्ट 3 बार प्रेस कर देना है, फिर से डबल कोड लगाएंगे हम इसमें, और Shift 7 की प्रेस करेंगे। इसके बाद राइट लिख देना है इसमें से RIGHT राइट, ब्रैकेट ओपन, और फिर से हम डिजिट को सेल करेंगे, जो हमने सेल डिजिट सेलेक्ट करी थी पहले वही सेल को फिर से डिजिट सेलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा और 3 और ब्रैकेट क्लोज, और कीबोर्ड से हमको एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए लास्ट के हमारे डिजिट स्टार्ट के और लास्ट के हमें सिर्फ 3 ही शो हो रही हैं, क्योंकि हमने 3 नंबर डाला था,
इसलिए। अगर मुझे इसका फॉर्मूला शो करना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला शो करने के लिए कंट्रोल F1 प्रेस करोगे तो आपका ये फॉर्मूला शो हो जाएगा। इस तरीके से सारे फॉर्मूले आप शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको फॉलो कर। जैसे कि मेरा अगर हम किसी भी डिजिट के साथ परसेंटेज लगाना चाहते हैं, हम सिर्फ डिजिट ही टाइप करें और परसेंटेज हमारा ऑटोमेटिक आता रहे, उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे कि हमने इस कॉलम में लगाना है तो ये मैंने कुछ सेल्स को सेलेक्ट किया है और कंट्रोल शिफ्ट सिंबल्स की से 5 प्रेस कर दिया है। अब आप इसमें कोई भी डिजिट को एंटर करोगे तो इसमें देखिए परसेंटेज आपका आ जाएगा खुद ब खुद। इस तरीके से आप किसी भी परसेंट डिजिट के साथ परसेंटेज लगा सकते हो। ठीक, थैंक यू।